हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे त्रिकोणमिति बनाना। उसमें हम लोग मान निकालना सीखेंगे, किस तरीके से मान निकाला जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपको मान निकालने से पहले क्या करना पड़ेगा, ये जो सब जो चार्ट दिया गया है इन सब का मान ज्ञात करना पड़ेगा। सॉरी, इसका सबका मान आपको याद करना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए साइन आपको पूछ देगा कि 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0। साइन पूछ देगा कि 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2। तो उसी प्रकार से आपको यह सब थोड़ा सा बात को, ये जो मान दिया गया है आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि दिया है कि साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, अब प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। इसका कह रहे हैं निम्नलिखित का मान निकालना है। तो देखेंगे कि साइन साठ इसमें देखेंगे कि साइन साठ का मान कितना दिया है। साइन 60 डिग्री का मान दिया √√3/2। यहाँ पर हम लोग गुना का चिन्ह दे देंगे। और आप देखेंगे कि कॉस 30 डिग्री का दिया है, तो कॉस 30 डिग्री का मान कितना दिया है, √3/2। और यहाँ पे प्लस का साइन है तो हम लोग प्लस का साइन दे देंगे। साइन 30 डिग्री का मान दिया 1/2, गुना का चिन्ह दे देंगे। कॉस 60 डिग्री का हम लोग खोजेंगे, तो कॉस 60 डिग्री का मान भी मान 1/2 दिया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि √3 √3 में हम लोग गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा √9। यह हो जाएगा 2 दूनी का 4। प्लस का साइन हम लोग प्लस का साइन दे देंगे, ये तो ऊपर नीचे कटेगा नहीं, इसलिए ऊपर ऊपर हम गुना कर देंगे। 1 में 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे 2 दूनी का 4। अब यहां पर देखिए √9 जो है किस संख्या का है, स्क्वायर किस संख्या का है, तो ये 3 का है। अब बटा में क्या कर देंगे, 4 + 1/4। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 4 4 का LCM निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। 4 से 4 में भागा दीजिएगा, 1 मर्द में कटेगा, और 1 में 3 से गुना कीजिएगा 3। प्लस का साइन है प्लस का दे देंगे। फिर 4 में 4 से भागा दीजिएगा, 1 बार में कटेगा, और 1 में 1 से गुना कीजिएगा 1। तो 3 1 4, 4/4 कट जाएगा 1। तो साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री, प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का जो हमारा मान आएगा वो 1 आएगा।